जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें, इस तरह की साजिशें करना छोड़ दें। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोकने की भी साजिश की, ना वो राम को रोक पाए और ना आप नरेंद्र मोदी जी को रोक पाएंगे। प्रोपेगंडा, ये जो षड्यंत्र, ये जो राहुल गांधी जी की टीम कर रही है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कोई कहीं से भी लड़ सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रायबरेली और अमेठी की जनता लीडर चाहती है, लीडर, रीडर नहीं चाहती। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है और पिछले 25 सालों से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, उनका करेक्टर एसेसिनेशन करना, झूठे फर्जी बयानों से उनको जोड़ना, ये कांग्रेस का पुराना शौक है और ये वो लगातार करते आ रहे हैं। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं वो वीडियो 1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा और उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसको उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है, मुझे किसी ने बताया। जबकि सच बात यह है कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के सारे नेता बड़ी मेरे भाषण की तारीफ करते थे और कहते थे वाह क्या बात है, और है ना, सभी नेताओं ने मुझे फोन कर करके, राहुल गांधी जी खुद हरिद्वार आए थे और मैंने उनकी गंगा आरती कराई थी और गंगा पूजन कराया था, तो सारे लोग बड़ी तारीफ करते थे। तो ये जो कांग्रेस के तमाम मैनेजरों को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें, इस तरह की साजिशें करना छोड़ दें। कांग्रेस ने राम मंदिर को रोकने की भी साजिश की, ना वो राम को रोक पाए और ना आप नरेंद्र मोदी जी को रोक पाएंगे। मेरा भाषण ये 1 साल पहले का है, 24 सितंबर 2023 का है, जब मैं कांग्रेस के साथ था। आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के साथ हूँ। नरेंद्र मोदी गरीब के साथ हैं, नरेंद्र मोदी दलितों के साथ हैं, नरेंद्र मोदी शोषित, वंचित और पीड़ितों के साथ हैं। जातिवाद, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, सबके खिलाफ हूँ। ये मेरा निजी मत है कि जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको ऊपर लाया जाना चाहिए, सबको एक समान, एक दृष्टि से देखना चाहिए। मैं तो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर साहब और महर्षि वाल्मीकि और संत रविदास जी को पढ़ा हूँ और उनको पढ़ता हूँ और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूँ। और मेरा तो वन लाइन प्रोग्राम कहो या मिशन कहो कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये जो प्रोपोगंडा, ये जो षड्यंत्र, ये जो राहुल गांधी जी की टीम कर रही है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और उस बयान को, उस वक्तव्य को नरेंद्र मोदी जी से जोड़ना घोर निंदनीय है, गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और वो भाषण, अगर उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखो, तो वो भाषण मेरा 1 साल पहले का है, वो तब का है जब मैं कांग्रेस के साथ था। और इनकी जो सामंतवादी सोच है, परिवारवादी सोच है ना, ये अपनी सोच को बदलें। प्रधानमंत्री जी ज्ञानी हैं, उन्होंने मान लिया, ये भी अच्छी बात है। और जो देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का मुखिया होता है, उसे ज्ञानी होना चाहिए। क्या कांग्रेस चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अज्ञानी हो? लेकिन देश की जनता चाहती है कि देश किसी ज्ञानी के हाथ में
ही सुरक्षित रहता है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी के साथ है देश। कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा है वो भारत से ज्यादा विदेश के प्रति नरम रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो। एक्चुअली कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी थी, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी, लेकिन महात्मा गांधी के रास्ते से हटके वो मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे आ गई, उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है। और कांग्रेस पार्टी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मैं इस पार्टी में रहा और एक ऐसी आरजू में जो कही सुनी न जाए, वहां उम्र काट आए जहां सांस ली न जाए, का संविधान कोई नहीं बदल सकता। और फिर देश के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत के संविधान को कोई छू भी नहीं सकता, और देश नरेंद्र मोदी जी की बात पे यकीन करता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 370 हटेगी तो हटी, मोदी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा तो बना,